सब्सक्राइब करें और साथ प्रेस करें बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं हाजिर हूँ एक दफ़ा फिर एक ऑटो इंडस्ट्री न्यूज़ के साथ। अब एक ऑटो इंडस्ट्री न्यूज़ जो है आज काफ़ी लेट होगी, इसका मकसद ये है कि आई वॉज बिजी इन मेकिंग रिव्यूज़, जिसकी वजह से जो है मैं वीडियो पब्लिश नहीं कर पा रहा था। बहरहाल चलते हैं आज की ऑटो न्यूज़ की तरफ। तो एक हैचबैक जो कि 20-25 साल से अपनी लेगेसी क्रिएट करती आई है पाकिस्तान में, वो फाइनली जो है अब बंद होने जा रही है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सुजुकी मेहरान, और सुजुकी मेहरान की प्रोडक्शन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर बाय मार्च बंद हो जाएगी, और 2019 से सुजुकी मेहरान बिल्कुल पाकिस्तान में आपको मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी बंद हो जाएगी सुजुकी मेहरान की। हाउएवर, सुजुकी मेहरान को रिप्लेस करने जा रही है सुजुकी ऑल्टो, और ये सुजुकी ऑल्टो जो है बेसिकली जापानी सुजुकी ऑल्टो की है। ये आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे होंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेहरान क्यों बंद की गई। मेहरान इसलिए बंद की गई कि एक तो मेहरान अपनी लीग की सबसे छोटी गाड़ी थी, यानी 800 सीसी इंजन के साथ आ रही थी, और दूसरा जो इसका मेन रीज़न था वो एक गाड़ी दिन ब दिन महंगी होती जा रही थी। आपने अगर लास्ट देखा हो तो 840,000 850,000 तक की गाड़ी पहुँच चुकी थी, तो दिन ब दिन इसका रेट ऊपर जा रहा था। तो हाउएवर, सुजुकी पाकिस्तान के मुताबिक इनके लिए एक बड़ा टफ डिसीजन था मेहरान को बंद करना। अब मेहरान को बंद करना इसलिए टफ डिसीजन था क्योंकि वो पाकिस्तानी आवाम जो थी, कस्टमर जो थे, इन पर रिलाई करते थे, जस्ट लाइक होंडा सीजी। अगर आप होंडा सीजी 125 देखें, मोटरसाइकिल कम्युनिटी में देखें, मोटरसाइकिल मार्केट में देखें, तो इट इज़ वन ऑफ द टॉप सेलिंग बाइक्स। इसी तरह गाड़ियों में सुजुकी मेहरान थी जो कि अपनी लेगेसी बरकरार रखते हैं। एक हैचबैक थी जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते थे, यू कैन टेक इट एनीवेयर, और 20-25 साल से जो है कस्टमर का एतमाद था इस गाड़ी पर। तो इट वाज अ टफ डिसीजन, लेकिन क्यों बन गया गया, इसके मेन रीज़न आपको मैं बताता हूँ। सुजुकी से मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन आप तक डिस्क्लोज करना बड़ा ज़रूरी है। सुजुकी मेहरान बेसिकली बन की गई एक प्रेशर की वजह से। वो प्रेशर किसने डाला? वो सुजुकी जापान ने डाला। तो सुजुकी जापान ने सुजुकी पाकिस्तान पर प्रेशर डाला है, जिससे कि आपको सुजुकी मेहरान क्लोज करनी चाहिए। दैट इज़ बिकॉज के दिन ब दिन आप देखेंगे कि उसमें एक छोटी कार की प्राइस में कितना इंक्रीज़ आता गया है। अगर बेसिक उसके अगर देखा जाए तो 4-5 लाख से ऊपर की गाड़ी नहीं है सुजुकी मेहरान, लेकिन दिन ब दिन जो है इसमें इजाफा होते 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 ये 8.5 लाख तक पहुंच गई थी। और 8.5 लाख में आप देख सकते हैं आजकल हमारे पास काफ़ी अच्छी अभी रिसेंटली यूनाइटेड ब्रावो लॉन्च हुई है, वो एक अच्छा ऑप्शन है। और यूज़ कार में हम 1500-1600 की गाड़ी, 1600 cc की गाड़ी आराम से ले सकते हैं। तो सुजुकी जापान के प्रेशर की वजह से दिसेड की गाड़ी दिन ब दिन महंगी हो रही है, इस वजह से बंद किया जाए। तो बाय अप्रैल 2019 सुजुकी मेहरान की जो प्रोडक्शन है वो कम्प्लीटली बंद हो जाएगी। हाउएवर, वेंडर्स जो हैं उनको ये मालूमात दी गई है, उनको ये आगाही दी गई है कि सुजुकी मेहरान की जो पार्ट्स की प्रोडक्शन है उनको भी बंद किया जाए, यानी कि उनको रोका, आहिस्ता आहिस्ता जो है कम किया जाए। जो सुजुकी मेहरान के पार्ट्स असेंबल किए जा रहे हैं उनके ऊपर भी कमी की जाए, उनको असेंबल करने में थोड़ी कम पार्ट्स असेंबल किए जाएँ, क्योंकि उसके ऊपर भी काफ़ी ख़र्चा वगैरह इस तरह हिसाब किताब है। तो यह बाय 2019 अप्रैल सुजुकी मेहरान बंद हो रही है, और सुजुकी मेहरान को रिप्लेस करेगी सुजुकी ऑल्टो। अब ये सुजुकी ऑल्टो आपने ऑलरेडी देखी होगी, अगर आप इसका कम्प्लीट रिव्यू देखना चाहते हैं जापानी वाले का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो बेसिक मकसद था सुजुकी ऑल्टो के बारे में बात करने का, काफ़ी रूमर्स चल रहे थे, और येट कंफर्म नहीं है कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन, लेकिन जो रूमर्स हैं उनके मुताबिक ये आ रहा है कि सुजुकी ऑल्टो के 3 वेरिएंट्स पाकिस्तान में लॉन्च किए जाएंगे। हाँ जी, 2 नहीं 3 वेरिएंट्स जो कि अभी रूमर्स के मुताबिक पता चली है, जिसके अंदर 2 मैनुअल ट्रांसमिशन में आएंगे और 1 आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिलेगा। जो मैनुअल ट्रांसमिशन में जो 2 वेरिएंट्स आएंगे उनके, एक मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो हाई एंड वेरिएंट होगा, उसके अंदर ज़्यादा स्पेक्स होंगे, और एक जो लो वेरिएंट होगा उसके अंदर कम स्पेक्स होंगे, बाकी ऑटोमेटिक इनका टॉप एंड वेरिएंट होगा। तो अब फीचर्स की बात कर लेते हैं, इनके अंदर क्या फीचर्स आएंगे। वन थिंग जो सुजुकी क्लेम करता है, जो रूमर्स आए हैं कि ये फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी काफ़ी होने वाली है, एंड दैट्स ट्रू, क्योंकि 660 सीसी इंजन जो है गाड़ियों के लाइनअप में सबसे छोटा इंजन है, और जो कि जिसकी फ्यूल कंजप्शन बड़ी अच्छी है, फ्यूल एवरेज काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करेगा। 17 टू बेसिक उसकी एवरेज है सिटी में, बाकी ओवरऑल फिर 2022 तक वो जाएगा। सुजुकी इससे ज़्यादा की क्लेम कर रही है, लेकिन अभी हम फिलहाल अपने जहन में 22 तक की एवरेज रख सकते हैं लॉन्ग टर्म, लॉन्ग ड्राइव पे अगर आप चलाते हैं इसको। इसके अलावा जो इंजन है वो 660 सीसी होगा, और वो इंपोर्ट किया जाएगा, वही जापानी इंजन इसमें डाला जाएगा। दैट्स रियली गुड थिंग कि जापानी इंजन हमें मिलेगा, जबकि जो इसकी ट्रांसमिशन असेंबली है वो लोकली प्रोड्यूस होगी। इसके अंदर जो मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आएगी वो लोकली बनेगी,
और एक और न्यूज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो ये लोकल असेंबल्ड जो आपको सुजुकी वैगन आर में असेंबली मिल रही है, यानी मैनुअल ट्रांसमिशन जो आपको सुजुकी वैगन आर में मिल रही है, जो लोकली प्रोड्यूस हो रही है, वही आपको जो लोकली प्रोड्यूस मैनुअल ट्रांसमिशन है वो आपको सुजुकी ऑल्टो में भी दी जाएगी। अब आ जाते हैं इसके प्राइस पॉइंट की तरफ। जापानी इंजन है, दैट्स रियली गुड थिंग। डाउन साइड सिर्फ इसका एक है कि इसके अंदर पावर कम होगी, 660 cc का इंजन है, लेकिन उसके आगे अगर हम प्लस पॉइंट की बात करें तो फ्यूल कंजप्शन इसकी काफ़ी अच्छी होगी, फ्यूल एवरेज जो है ये गाड़ी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करेगी। और मेरे ख्याल से ज़्यादा प्राइम कंसर्न जो पाकिस्तानी मार्केट में हमारे कंज्यूमर्स का होता है, कस्टमर्स का होता है, वो यही है कि गाड़ी की फ्यूल एवरेज अच्छी होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको न्यूज़ बताई है कि सुजुकी मेहरान के वेंडरों को हुक्म दिया गया, यानी कि उनको आगाह किया गया है कि जो मेहरान के पार्ट्स की प्रोडक्शन है उनको कम किया जाए, जिसकी वजह से जो है काफ़ी इफेक्ट होगा। और सुजुकी चाहती है कि जो लेगेसी उसने मेहरान के साथ बरकरार रखी है वही सुजुकी ऑल्टो में ट्रांसफ़र की जाए, सुजुकी ऑल्टो में शिफ्ट की जाए। तो दो मैनुअल ट्रांसमिशन की खबर आई है, मतलब कि दो मैनुअल ट्रांसमिशन और एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है इस गाड़ी के अंदर लॉन्च किए जाएंगे। अब आ जाते हैं प्राइसेस की तरफ। जो मैनुअल ट्रांसमिशन है उसकी प्राइस कम से कम 8 से 9 लाख रुपये होगी, जो कि अभी सुनने में आया है। जो हाई एंड वेरियंट है मैनुअल ट्रांसमिशन का, उसकी प्राइस जो है तकरीबन 8 से 9 लाख के दरमियान हो सकती है। और जो कि टॉप वेरिएंट है वो 1 मिलियन का मार्क जो है वो क्रॉस कर सकती है। 1 मिलियन हम कोशिश करते हैं, दुआ कर सकते हैं हम, वी कैन जस्ट प्रे के 1 मिलियन के अंदर अगर हमें हाई एंड वेरिएंट सुजुकी ऑल्टो का मिले सो दैट्स अ रियली गुड थिंग। बाय बिकॉज अगर अभी आप इस वक्त मार्केट की बात करें सुजुकी ऑल्टो की, जो कि जापानी इम्पोर्ट की जा रही है, ज़्यादातर उनमें से 20,000-50,000 इससे ज़्यादा की चली होती हैं। 15 मॉडल 16 मॉडल जो है आपको अच्छी कंडीशन में मिल जाएगी, लेकिन वो आपको अराउंड अबाउट 12.5 lakhs to 13 lakhs मिलेंगी 660 cc इंजन के साथ। एक और प्लस पॉइंट वो है जिनके पास अभी करंटली सुजुकी ऑल्टो है, उनके लिए एक बड़ा बेनिफिट है कि गाड़ी जब लोकली प्रोड्यूस होगी उसके पार्ट्स भी लोकली बनेंगे, तो जिनके पास सुजुकी ऑल्टो है उनके लिए यही खुशखबरी है कि यू शुड कीप दैट कार, फ्यूचर में जो है आपको इसके पार्ट्स ईजिली मिल जाएंगे, यानी जब लोकली गाड़ी प्रोड्यूस होगी तो उसके पार्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं सुजुकी से, इसकी बिल्ड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी जो है हमें अप टू द मार्क चाहिए, यू नो बिल्ड क्वालिटी का देखें, क्लॉज वगैरह ना हो, कोई डिफेक्ट्स ना हो जैसे दिखने में आ रहे हैं। पेंट जॉब सुजुकी की जाहिर सी बात है ज़्यादा अच्छी होती है। और फीचर्स की बात करें तो आई थिंक कि एयर बैग गाड़ी में लाजमी होना चाहिए। अब मेरे ख्याल से वो वक्त आ चुका है कि जब पाकिस्तानियों को एयर बैग भी फराहम करना चाहिए सुजुकी को, ये मैं एक अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। और ABS ब्रेक्स भी गाड़ी के अंदर होनी चाहिए। आई डोंट नो, अभी जो टॉप एंड वेरिएंट है आई होप कि उसके अंदर वो अलॉय व्हील्स रहेंगे, अभी ये कंफर्म नहीं है बात। और जो मैनुअल ट्रांसमिशन आई थिंक उसके अंदर व्हील कैप्स के साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे। ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ दिस कार इज़ गुड, नॉट दैट गुड बट ठीक है इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस। ओवरऑल आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे होंगे इस गाड़ी की, जो कि सुजुकी जो है जल्द लॉन्च करने वाला है। अब इस गाड़ी का, जापानी गाड़ी का, मैंने जो है इसमें जो जापानी का वेरिएंट है उसका मैंने डिटेल में रिव्यू बनाया है, और उसका रिव्यू आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो यार दैट वाज ऑल द न्यूज़ कि सुजुकी ऑल्टो जो है बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगी। पावर स्टीयरिंग भी इसके अंदर होगा, दैट्स रियली गुड फीचर, जो कि आपको मेहरान में नहीं मिल रहा था। तो पावर स्टीयरिंग और ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगी, मैनुअल जो लोकल असेंबल्ड हो रही है गाड़ी सुजुकी वैगन आर वही वाली ट्रांसमिशन मिलेगी, जबकि इंपोर्टेड इंजन होगा, जापानी 660 cc का इंजन होगा इसके अंदर। दैट्स ऑल। लास्ट में मैं बात करता हूँ, जो आप लोग मेरे से सवाल पूछेंगे शुड वी वेट, क्या हमें इंतज़ार करना चाहिए, तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप इंतज़ार करें, क्योंकि इसका एक बेसिक मार्केट में कंपेरेटर जो है इस वक्त वो यूनाइटेड ब्रावो होगा। अगर ये गाड़ी 10 लाख के अंदर लॉन्च हो जाती है, लाइक इसका मैनुअल वेरियंट 8.5 लाख का हो जाता है, तो आई थिंक दैट पीपल वुड प्रेफर मोर सुजुकी ऑल्टो। जो लोग हैं जाहिर सी बात है एक जापानी ब्रांड की तरफ जाएंगे, सुजुकी की तरफ जाएंगे और सुजुकी ऑल्टो परचेज करेंगे। वेल वी कैन जस्ट होप कि 10 लाख के अंदर जो है अच्छी फीचर्स के साथ इंट्रोड्यूस कराई जाए। रूमर्स के मुताबिक जो है इसकी जो डिलीवरी है वो मार्च 2019 तक जो है होगी, और रिलीज़ डेट जो है कंपनी की तरफ से अभी नहीं आई है। रिलीज़ डेट आई होप कि नवंबर में हमें किसी वक्त सुनने को मिल सकती है, अक्टूबर के एंड में हमें जो है कंपनी इसकी रिलीज़ डेट के बारे में बता दे ऑल्टो की। सो यार दैट वॉज ऑल फॉर द ऑडियो न्यूज़, आई होप आपको पसंद आई होगी। डिले करने के लिए माजरत, आई वॉज बिजी इन मेकिंग सम कार रिव्यूज़। और ये कुछ रूमर्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने थे सुजुकी ऑल्टो के बारे में। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू सुजुकी मेहरान, अ वंडरफुल लेगेसी, आप लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया। और अभी भी जो मेहरान के फ़ैन हैं उनसे मैं कहता हूँ कि आप लोग अपग्रेड कर लें, जो अभी मेहरान निकलवाना चाह रहे हैं नहीं, उनको मेरे लिए ये मशवरा है कि आप सुजुकी मेहरान बुक मत कराएं, यू शुड वेट फॉर सम टाइम, सुजुकी ऑल्टो को आने दें, टेस्ट इट,
अब जिस तरह सुजुकी मेहरान के पार्ट्स की प्रोडक्शन जो है कम कर दी जाएगी, उससे भी काफ़ी अफेक्ट होगा। अभी आप देखिए मेहरान के पार्ट्स कितने सस्ते आपको मिल रहे हैं, तो आई होप कि वो जो चीज़ है वो ऑल्टो के साथ भी होगी, ऑल्टो भी अपनी मार्केट में जगह बना सकेगी। सो इफ़ यू हैवन फॉलो मी येट, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, नीचे सब्सक्राइब के बटन उसको सब्सक्राइब करें, साथ प्रेस करें बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सकें। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। इस सुजुकी ऑल्टो 660 सीसी जो जापानी गाड़ी है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, टॉप पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जाकर और या कमेंट सेक्शन से आप जाकर वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको फीचर्स के बारे में मज़ीद मालूम हो जाए। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ मैं, अपना ख्याल रखिएगा बहुत, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और साथ प्रेस करें बेल आइकन को।